हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुनज़्ज़ा। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको डू व्हाइल लूप के बारे में बताऊंगी कि कैसे हम विद इन अ फीवियर डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं। बताऊंगी कि डू व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाट इज डू व्हाइल लूप एंड हाउ टू यूज डू व्हाइल लूप विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। दो एग्जांपल्स आपको दूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को फुल लाजमी से वॉच कीजिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि डू व्हाइल लूप होता क्या है। ये भी बाकी लूप्स की तरह होता है। इसमें होता है, हमें तीन एक तरफ से स्टेप्स होते हैं। एक तो आपने डू व्हाइल लूप लगाना है, आपने कंडीशन देनी है कि आप चाहते क्या है, और आप अपने अपनी स्टेटमेंट देनी है। होता क्या है, अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पे लगानी चाहिए थी, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। मैं इसको उठा के इधर कर देती हूँ और इसको भी मैं उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आपके लूप से बाहर आ जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर ट्रू है तो ये चलता रहेगा, ठीक है, आपकी कंडीशन चलती रहेगी। तो ये इस टाइप का होता है हमारे पास डू व्हाइल लूप। मैं आपको जल्दी से इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं एक्सेल पे आ गई, ठीक है। मैं इसको जरा बड़ा कर देती हूँ ताकि जो भी मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाऊँ वो आपको क्लियरली नजर आए। डेवलपर पे गई, विजुअल बेसिक पे गई, पहले हम एक सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल पे आ गई, ठीक है। वही मेथडोलॉजी, स्टार्ट में हमने सब डू व्हाइल है, डू व्हाइल वन, एग्जांपल वन है इसलिए मैंने वन लिखा और एंटर किया। अब क्या मैंने इधर वेरिएबल लेना है, वेरिएबल आपको पता है डिम एज इंटीजर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर ना करें, मैंने डी दे देते हैं, डी एज इंटीजर, ठीक है, डी फॉर ये वेरिएबल का नाम, मैंने डी दे दिया क्योंकि डी से डू व्हाइल लूप होता है, इसलिए मैंने डी दे दिया। और ऐसा कोई लॉजिक नहीं, आप जो चाहे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ डी इक्वल्स टू वन। मैं चाहती हूँ, मैं असल में क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं मेरा जो लूप चले वो 1 से लेके 20 तक चले, 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 तक वो मेरा लूप चले। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया कि d इक्वल्स टू 1। अगर मैं ये 1 नहीं मेंशन करूंगी तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है, वो फिर 0 से करना शुरू कर देगा। बाकी मुझे अब आके बताना है कि 1 से लेके चले कहाँ तक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, डू व्हाइल, और जो वेरिएबल था मेरा वो लेस देन इक्वल्स टू 20, ठीक है, यानी कि जब तक 20 नहीं आ जाता वहां तक चले, उससे ज्यादा की सिचुएशन ना हो। अगर मैं 20 आ गया उसके बाद अगर मैं लूप चला रही हूँ तो वो वहां पे बस स्टॉप हो जाए, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मेरी कंडीशन ही सिर्फ 20 तक है, ठीक है। अब किस पे, शीट वन है मेरे पास, ठीक है, शीट वन डॉट सेल्स दे देती हूँ मैं, या आ गया सेल्स। अच्छा, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन किया, इसने मुझे रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, पहले रो का आता है फिर कॉलम का हमारे पास आता है। मैं यहाँ पे अपना वही जो वेरिएबल है वो दे देती हूँ, कॉमा वन। अब ये जो लिखा है डी कॉमा वन, यानी जो मेरा वेरिएबल है वो किधर से शुरू हो, पहले आपने देखा रो आ रही है तो वो फर्स्ट रो से शुरू हो, ठीक है, वो इस तरह से आना शुरू हो मेरे पास इस डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं, ठीक है, वन से स्टार्ट होना है ना, देखिए मीन के वो जो वन है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं वन कॉमा डी लिखूंगी अगर, तो ये मेरे पास किस डायरेक्शन में जाएगा, ये मेरे पास इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। वो अब आपकी मर्जी है, मैं आपको हॉरिजेंटली ही फिलहाल शो कर देती हूँ, आप लोग इस तरह से देख लें, ठीक है। फिर आपने इधर यहाँ पे किया पैरेंथेसिस क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल्स टू डी और एंटर कर दिया आपने, ये हो गया। अब 20 तक मैंने चलाना है तो मुझे ऑब्वियसली उसके लिए इंक्रीमेंट लगाना जरूरी है, तो मैं इंक्रीमेंट दे दूंगी डी इक्वल्स टू डी प्लस 1, एंटर किया। जिस तरह से हम जो भी लूप किया आपने, जो भी चीज की, उसको ऑब्वियसली हमें क्लोज करना पड़ता है, तो इसको भी क्लोज करेंगे। इसको क्लोज करने के लिए आप लोगों ने सिंपल लिखना है लूप। मैं यहाँ पे इसको जरा इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ, साइज छोटा करती हूँ, आपको मैं एक 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 रन करके दिखाऊंगी। मैं कीबोर्ड से F8 दबाती हूँ तो ये अब आपको वन बाय वन रन करके दिखाएगा। अगेन F8 दबाया तो ये देखिए D पे आ गया,
जैसे ही मैंने इस पे रखा, अभी मुझे बता रहा है कि जो डी है वो जीरो के बराबर है। मैं अगेन एफ एट को दबाती हूँ तो ये अब कह रहे हैं ये डी जो है वन के इक्वल हो गया है। वो ऑब्वियसली जब इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। मैं अगेन एफ एट दबाती हूँ, ये जैसे ही इंक्रीमेंट पे आया तो देखिए इसने मुझे वन लिख के दे दिया इधर। इसी तरह मैं एफ एट दबाऊंगी, ये देखें क्योंकि ये मेरे पास अब देखें ये इस तरह से जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 1, D लिखा हुआ है, कॉलम वाइज जा रहा है। अगर मैं डी कॉमा वन लिखती तो ये मेरे पास 1 इधर और 2 इधर लिखा था। इसी तरह मैं एफ एट दबाती जाऊंगी और ये मेरे पास उस वक्त तक वैल्यूज आएंगी जब तक 20 नहीं आ जाता। जैसे ही 20 आ जाएगा उसके आगे ये मजीद वैल्यूज शो मुझे नहीं करेगा। ट्वेंटी आ चुका हुआ है, मैं देख लेती हूँ इसको, जरा सा मैं साइड पे करती हूँ। देखिए 20 आ चुका हुआ है यहाँ पे। मैं एफ एट दोबारा रन कर रही हूँ तो देख लें ये 20 से आगे जा ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन एक दे दी है कि वो मुझे दिखाए ही 20 तक। तो इस तरीके से हमारा डू वाइल लूप चलता है। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, मैं इसको जरा क्लोज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे आई, एक्सेल पे गई, इसको मैक्सिमाइज किया, कंट्रोल ए, इसको जरा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली शो हो जाए। डेवलपर टैब पे जाएंगे हम, उसी तरह से बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, अब उसी तरह से सब डू वाइल टू, ये दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखा रही हूँ। अब इसमें मैं आपको क्या चीज शो करना चाहती हूँ, मैं इसमें कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको दिखाना चाहती हूँ ना, लाइक एक मैसेज बॉक्स आए जिसमें मुझे मैसेज लिखा है शो योर नेम। मैं उसमें मैं कंडीशन इस तरह की दूंगी कि जब तक मुनज़्ज़ा नहीं लिखा आ जाता, यानी मेरा नाम नहीं उस मैसेज बॉक्स में लिखा आ जाता, उससे पहले जितने भी नेम है वो आते जाएं। जैसे ही मुनज़्ज़ा आए वहां पे स्टॉप हो जाए, उसके बाद मजीद नेम हम इंसर्ट ना कर सके। तो इस टाइप का मैं यहाँ पे अभी डू वाइल के जरिए एक प्रोग्राम लिखूंगी। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, इसके लिए मुझे 2 वेरिएबल लेने हैं क्योंकि मुझे मुनज़्ज़ा अपना नाम शो करना है, ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो एक मुझे स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है और एक इंटीजर वेरिएबल लेना है मैंने। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डिम, ए कर लेते हैं, ए एज स्ट्रिंग। और एक और वेरिएबल ले लेती हूँ डेम, बी ले लेती हूँ एज इंटीजर। एंटर किया मैंने। अब ऑब्वियसली ए तो स्ट्रिंग है, मैंने दूसरा इंटीजर लिया उसको मैंने वैल्यू असाइन करनी है। मैं बी इक्वल्स टू 1 कर देती हूँ कि 1 से ही वो चले। अब मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगी, डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल क्या मैंने किस पे लगाना है, ए पे। ठीक है, मैं कह रही हूँ जब तक मेरा ए जो है नॉट इक्वल टू, जब तक मुनज़्ज़ा के बराबर नहीं हो जाता। आपको पता है ना लेस देन और इक्वल्स टू का साइन हम VBA की कोडिंग में नॉट इक्वल के लिए यूज करते हैं। एक वीडियो में मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी। तो मैं कह रही हूँ जब तक मुनज़्ज़ा के इक्वल नहीं हो जाता उस वक्त तक चलता रहे। अब मैं ए दे देती हूँ इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स जो हम मैसेज बॉक्स के लिए यूज करते हैं, पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। अब इसके अंदर जो मैसेज आपने करना है, मैं क्या मैसेज दिखाना चाह रही हूँ, शो योर रियल नेम। ठीक है, शो योर रियल नेम, एंटर कर दिया मैंने। तो ये मेरा मैसेज आए जिस मैसेज बॉक्स के अंदर मैंने लिखने हैं नेम्स, तो वो जब तक मुनज़्ज़ा नहीं आता वो चलता रहे। ठीक है, उसके बाद मैं दूंगी रेंज, पैरेंथेसिस ओपन। अब इसमें सेल वाइज आ रहा है, ठीक है, ये देखिए अब सेल आ रहा है। तो अब सेल का यहाँ पे क्या मुराद है कि मैं चाह रही हूँ मेरे पास इस वाले सेल में ए, ठीक है, तो मैं वो दूंगी, वो डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैं लिख दूंगी ए, बाहर लिखूंगी एंड जो मेरे पास वी का वेरिएबल मैंने एक डिक्लेयर किया वो वाला वी मेरे पास आ जाएगा। अब मैं पैरेंथेसिस क्लोज, डॉट डाल के आपने वैल्यू किसके साथ करनी है इसकी,
इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे भी इंक्रीमेंट लगाने की जरूरत है, बी इक्वल्स टू बी प्लस वन एंड एंटर। और उसी तरह से इसका भी हमने क्लोज करना है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ डू वाइल को जब क्लोज करते हैं तो लूप लगा के क्लोज किया जाता है। मैं इसको कर लेती हूँ और मैं यहाँ से इसको करती हूँ रन। जैसे ही रन किया तो इसने मुझे मैसेज बॉक्स शो कर दिया, शो योर रियल नेम। मैं यहाँ पे डिफरेंट नेम्स लगाती हूँ, लाइक मैंने अली लगाया, एंटर किया, अली लिखा आ गया। देखिए अभी भी लूप चल रहा है। अब ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मुनज़्ज़ा नहीं आ जाता। मैं और भी नेम्स लगा देती हूँ, अभी भी चल रहा है, और भी लगाती हूँ, थोड़े से लगा के आपको दिखा देती हूँ। जैन, एंटर किया तो ये देखिए चल रहा है। इसी तरह कुछ भी आप लोग देखिए। अब मैं लिखती हूँ मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा लिखा, एंटर किया तो ये देखें लूप स्टॉप हो चुका है क्योंकि कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई। तो ये होता है डू वाइल, इस तरह से हम करते हैं डू वाइल लूप का यूज। होप सो आपको मेरी ये दोनों प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ आई होंगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाजमी से कर दीजिए। चैनल पर न्यू है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे फायदा उठा सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।